अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सफ़ा मुश्ताक है और हम जो है इस वीडियो के अंदर क्लास 7 पढ़ने जा रहे हैं। उसकी हम द लर्निंग ऑफ साइंस पढ़ेंगे। ये बुक टाइटल है आपका द लर्निंग ऑफ साइंस, और इसका जो हम इस वीडियो के अंदर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे, और उसकी हम रीडिंग जो है वो इस चैप्टर के अंदर देखेंगे। चैप्टर नंबर 5 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स जो है, ये चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसकी रीडिंग देखेंगे। रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि किसी भी स्पीसी की तादाद को बढ़ाने के लिए जो है वो ज़रूरी होता है। एक ऐसा अमल है जिसके ज़रिए कोई भी स्पीसी जो है या कोई भी जानदार जो है वो अपनी तादाद को आगे बढ़ाता है। तो हम यहाँ पर ये देखेंगे कि प्लांट्स भी तो रिप्रोडक्शन करता है, और प्लांट्स के अंदर ये प्रोसेस जो है रिप्रोडक्शन का वो किस तरह से होता है। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं इसके हम। रिप्रोडक्शन इज़ एन इम्पॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस। रिप्रोडक्शन जो है वो एक अहम ज़िंदगी का अमल है, विच हेल्प्स इन कॉन्टीन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, जो कि इस अर्थ के ऊपर ज़िंदगी की जो बका है उसको कायम रखने के लिए ज़रूरी है। इट इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल करेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, और ये जो जानदार हैं उनकी एक ज़रूरी खसूसियत है। इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में अमल में न्यू इंडिविजुअल्स ऑफ स्पीसी आर प्रोड्यूस्ड, उस स्पीसी के जो नए जानदार हैं वो पैदा होते हैं एंड कैरी ऑन दिस प्रोसेस, और फिर वो आगे इस अमल को चलाते हैं। दस इस तरह से द पॉपुलेशन ऑफ स्पीसी इज़ इंक्रीज बाई प्रोडक्शन, तो वो जो स्पीसी है उसकी तादाद इस प्रोसेस के ज़रिए बढ़ती जाती है। स्पीसी क्या है? स्पीसी की डेफिनेशन ये है, इज़ डिफाइंड एज ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऐसे जानदारों का ग्रो प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं, विच कैन इंट्रीब्यूट ब्रीड टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, जो आपस में मुताबकत पैदा करके अपने जैसे नए पैदा कर सकते हैं। कॉन्टीन्यूटी ऑफ लाइफ फ्रॉम द टाइम ऑफ इट्स ओरिजन, ज़िंदगी की जो शुरुआत है, तसलसल है इसका उस टाइम से जब ये पहली दफ़ा यानी वकू हुई मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, ये आज से मिलियंस मतलब साल पहले की बात है, टू द प्रेजेंट डे आज तक, हैज़ बीन पॉसिबल थ्रू रिप्रोडक्शन, और ये किस वजह से हुई पॉसिबल, मुमकिन, सिर्फ रिप्रोडक्शन के प्रोसेस की वजह से। हैंस इसलिए रिप्रोडक्शन इज़ एन एसेंशियल लाइफ प्रोसेस, हम कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन जो एक बहुत ज़रूरी अमल है ज़िंदगी का। यू मे हैव हर्ड ऑफ एंडेंजर्ड एनिमल्स, आपने सुना होगा एंडेंजर्ड एनिमल्स के बारे में। देर आर आल्सो एंडेंजर प्लांट्स, इसी तरह से एंडेंजर प्लांट्स भी होते हैं। ये वो कौन से एनिमल्स और प्लांट्स हैं, हम उनको बोलते हैं एंडेंजर, जो कि इस ख़तरे में हैं कि इनकी तादाद बहुत थोड़ी रह गई है, और अगर जो है वो मुनासिब इकदाम ना किए गए तो ये ख़त्म हो जाएंगी, फिर ये एक्सटिंक्ट हो जाती हैं, फिर नापैद हो जाती हैं। जैसे बहुत सारे जानदारों के बारे में हम सुनते हैं कि ये हुआ करते थे, ऐसे होते थे, इतने बड़े थे, ये खाते थे, लेकिन हमने उनको देखा नहीं हुआ क्योंकि वो हमारे आने से पहले ही ख़त्म हो गए, नापैद हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए। इसी तरह से वो वाले जो एक्सटिंक्ट होने के ख़तरे में होती हैं कि उनकी तादाद गिनी चुनी रह गई, उसको हम एंडेंजर्ड बोलते हैं। तो दीज एंडेंजर्ड स्पीसीज हैव वेरी फ्यू इंडिविजुअल्स लेफ्ट, इनके बहुत ज़्यादा थोड़े जानदार बाकी रह गए होते हैं। एंड साइंटिस्ट या नेचुरलिस्ट आर वर्किंग टू मेक श्योर द स्पीसीज डू नॉट बिकम एक्सटिंक्ट, और साइंटिस्ट या फिर जो नेचुरलिस्ट होते हैं ये इस बात की कोशिश कर रहे होते हैं कि ये स्पीसी एक्सटिंक्ट में शामिल ना हो जाएँ, हम इसकी तादाद बढ़ाने के लिए कोई ना कोई इकदाम करें। मुख्तलिफ कॉजेज होते हैं, बाजू का पोल्यूशन कॉज बन रही है, बाजू का हैबिटेट लॉस कॉज बन जाती है, और इसी तरह से कुछ और भी कोई बीमारी ऐसी जो है वो वजह बन जाती है जिसकी वजह से उनकी तादाद इतनी स्पीड से बढ़ नहीं रही होती जितनी स्पीड से डिक्लाइन हो रही होती है। तो फिर आहिस्ते आहिस्ते क्या होता है, सारे मेम्बर्स ख़त्म हो जाते हैं और स्पीसी एक्सटिंक्ट हो जाती है। तो रिप्रोडक्शन ज़रूरी है स्पीसी को आगे बढ़ाने के लिए, इन शॉर्ट हम ये चीज़ पढ़ रहे थे। प्लांट्स आल्सो रिप्रोड्यूस आइदर एसेक्सुअली और सेक्सुअली, प्लांट जो है वो भी दोनों तरीक़ों से रिप्रोड्यूस करते हैं, सेक्सुअली भी एंड एसेक्सुअली भी। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न मोर अबाउट दीज प्रोसेस, और इस चैप्टर में हम जो इन प्रोसेस के बारे में मज़ीद पढ़ेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पेरेंट्स प्लांट विदाउट द प्रोडक्शन ऑफ सीड्स आर स्पोर्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो नए प्लांट्स पैदा होते हैं पेरेंट प्लांट से, वो बगैर बीज के या स्पोर के होते हैं। देयर आर डिफरेंट मैथड्स, मुख्तलिफ इकसाम हैं इसकी, बाई विच प्लांट्स रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, जिसे प्लांट जो है एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। ये क्या है? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है, बडिंग है, फ्रेगमेंटेशन है, स्पोर फॉर्मेशन है। द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ ए प्लांट, और जो वेजिटेटिव पार्ट्स कौन से होते हैं, वो हिस्से जिनको हम खाने के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे रूट्स हैं, स्टेम्स हैं, लीव्स हैं, ये सारे कहलाते हैं। व्हेन न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम दीज पार्ट्स, और जब कोई नया प्लांट इन हिस्सों से निकल आए, इन हिस्सों से रिप्रोड्यूस कर जाए, तो इस प्रोसेस को हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का नाम देते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स आर एज़ फॉलोज, मुख्तलिफ जो इकसाम हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वो हम डिस्कस करते हैं। नंबर वन इज़ कटिंग।
इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के इस किस्म में, अ स्मॉल पीस ऑफ ब्रांच फ्रॉम अ प्लांट इज कट, एक छोटा सा हिस्सा जो है ब्रांच हम काटते हैं प्लांट की, इज कट एंड प्लांटेड इन द सॉइल, उसको हम सॉइल में क्या कर देते हैं, उसको दबा देते हैं. दिस स्मॉल पीस ऑफ ब्रांच इज नोन एज कटिंग, ये जो छोटा सा हिस्सा ब्रांच हम काटते हैं इसको हम कटिंग का नाम देते हैं. द शूट इज कट एट एन एंगल, जो शूट है उसको काटा जाता है एक स्पेसिफिक एंगल से. ऑन वाटरिंग रेगुलरली, और जब आप रोज उसको पानी देते हैं. न्यू लीव्स ग्रो एट द नोड्स ऑफ द स्टेम, तो नए पत्ते उगना शुरू हो जाते हैं उस स्टेम के नोड्स में से. एंड फाइनली इट ग्रोज इनटू अ न्यू प्लांट, और आखिरकार वो एक नए प्लांट में ग्रो कर जाता है. फॉर एग्जाम्पल, रोज प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू कटिंग, रोज का प्लांट जो होता है, गुलाब का पौधा, ये इस मेथड से ग्रो करता है. इसके अलावा भी हम नॉर्मली इसको करते हैं कटिंग को. आपको याद हो तो हमारे घरों में मनी प्लांट होता है एक, तो उसको हम क्या करते हैं, अगर हम उसकी एक बेल काटते हैं, छोटी सी शूट काटते हैं हम उसको, उसको दोबारा एक बॉटल के अंदर मिट्टी और पानी वगैरह डाल के हम उसको रख देते हैं और डेली उसका ध्यान रखते हैं, तो वो दोबारा से क्या करती है, बिल्कुल वैसी ही ग्रो कर जाती है जिसका आपने हिस्सा काटा होता है. दैट इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ द कटिंग, जो हम खुद भी करवाते हैं. तो इसी तरह से रोज़ प्लांट को भी करवाया जाता है, उसकी शूट जो गुलाब का पौधा है उसकी शूट ऐसे ही बिल्कुल काट के उसको आप एक गमले के अंदर जो है वो मिट्टी और मुनासिब मकदार में वो सारे न्यूट्रिएंट्स वगैरह दे के उसको वहाँ पर लगा देते हैं. फिर डेली आप उसको पानी देते हैं तो उसमें दोबारा निकल आता है, और फिर आप उसको उसी मिट्टी के समय जिसको उसने पकड़ लिया है उसमें से निकाल के गमले में से कहीं और भी लगाएं, गार्डन के अंदर या किसी उसके, तो वहाँ पर वो पूरा प्लांट बिल्कुल वैसा ही ग्रो कर जाएगा जैसा कि आपने, जिसकी आपने शूट निकाली थी. इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं ग्राफ्टिंग. इन ग्राफ्टिंग, ग्राफ्टिंग के अंदर टू प्लांट्स आर यूज टू डेवलप अ न्यू प्लांट, दो पौधों को इस्तेमाल किया जाता है एक नया पौधा बनाने के लिए. विद कम्बाइंड ट्रेट्स फ्रॉम टू पेरेंट प्लांट, जिसके अंदर जो है वो मिले जुले दोनों के खसूसियात पाई जाती हैं. इसमें जो है अच्छा, इसके अंदर जो है प्लांट का एक हिस्सा होता है जो ग्राउंड के ऊपर है और उसको जो है वो सियोन बोलते हैं, और दूसरा है स्टॉक, और इस अटैच टू, उसको स्टॉक के साथ अटैच किया जाता है, विच इज़ अ रूटेड पार्ट ऑफ द सेकेंड पार्ट प्लांट, जो कि दूसरे का जो रूट वाला हिस्सा होता है उसको बोलते हैं. तो एक के ये जो ये देखें, ये स्टॉक है और ये सियोन है, तो इन दोनों को क्या किया है, इन दोनों को यहाँ पे अटैच कर दिया और इसको बोलते हैं ग्राफ्टिंग. फिर इसको सपोर्ट के लिए कुछ मतलब लगा देते हैं साथ ना, बांध देते हैं या फिर साथ में कोई जैसे बांस वो उसके साथ अटैच कर देते हैं दोनों के. तो अब जो इसके अंदर से जो फूल निकलेंगे या जो फल निकालेगा ये प्लांट, वो दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, उसके अंदर दोनों के ट्रेड्स होंगे, एक मिला जुला सा, जैसे रेड और वाइट रोजेस को मिला के पिंक कलर के रोजेस भी बनाए जाते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ द ग्राफ्टिंग. उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास प्रोसेस ट्यूबर्स. पोटैटोज आर वन एग्जाम्पल ऑफ ए प्लांट, पोटैटो जो है ये किस्म है प्लांट की दैट यूजेज ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, जो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन को इस्तेमाल करती है. इफ़ यू लुक एट अ पोटैटो ट्यूबर, अगर हम पोटैटो ट्यूबर को देखें, विच इज़ अ पार्ट दैट वी ईट, ये वो हिस्सा है जिसको हम खाते हैं. वी कैन सी लिटिल बर्ड्स और आइज ऑन इट, हम देखेंगे कि हर जो हमारे पास आलू है ना उसके ऊपर पिट्स होते हैं, घड़े बने हुए होते हैं, उसको हम आइज बोलते हैं उसकी. ईच ऑफ दीज लिटिल बर्ड कैन ग्रो इन टू अ न्यू प्लांट, न्यू पोटैटो प्लांट, इसमें से जो हर बर्ड है वो नया प्लांट जो है वो ग्रो करवा सकता है. ट्यूबर्स आर स्टेम्स दैट ग्रो इन टू द ग्राउंड, और ट्यूबर्स वो स्टेम्स हैं जो कि ग्राउंड जमीन के अंदर जो है वो ग्रो करते हैं. एंड दीज स्टेम्स फिल विद स्टार्च, और ये वाली जो स्टेम है ये स्टार्च से भरी होती हैं. प्रोवाइड फूड एंड बी प्लांटेड फॉर अ न्यू पोटैटो प्लांट, और ये हमें खाना भी देती हैं, और अगर आपने नया प्लांट पोटैटो के लिए, आलू के लिए जो है वो उगाना हो तो इसी को इस्तेमाल किया जाता है. ये आप देखिएगा इसका प्लांट, ये हैं इसकी रूट्स, और इसके रूट्स के साथ ही ट्यूबर्स अटैच हैं ये वाले, और इसके साथ जो ये शूट वाला पोर्शन है प्लांट जो होता है उसका, वो बाहर होता है, हम इसको खींच के निकालते हैं तो नीचे से आलू जो है वो भी बाहर निकल आते हैं, और वो गुच्छों की सूरत में होते हैं, क्लस्टर्स में हमें मिलते हैं अक्सर. इसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलें. नेक्स्ट पेज पे है रनर्स. स्ट्रॉबेरी प्लांट्स आर गुड एग्जांपल्स ऑफ द प्लांट दैट रिप्रोड्यूस बाय यूजिंग रनर्स, स्ट्रॉबेरी का जो प्लांट है ये एक अच्छी मिसाल है उन प्लांट्स की जो कि रिप्रोड्यूस करते हैं रनर्स के थ्रू. दीज प्लांट्स रिप्रोड्यूस स्टेम्स दैट ग्रो अलोंग द ग्राउंड, ये प्लांट जो हैं ये प्रोड्यूस करते हैं, पैदा करते हैं ऐसे स्टेम को जो कि बढ़ती हैं ग्राउंड के साथ साथ. एंड डू नॉट हैव मेनी और सम लीव्स, इसके अंदर जो है वो ज़्यादा पत्ते नहीं होते.
दी स्टेम्स ग्रो स्मॉल नोड्स, ये जो है स्टेम जो है ये ग्रो करती हैं छोटे से नोड्स में से, विच ग्रो न्यू शूट डाउन इन टू द सोल सॉइल, और वही नोड जो है वो नीचे ग्राउंड को पकड़ के रूट बना देता है। ए न्यू शूट अपेयर ऑन एंड अ न्यू स्ट्रॉबेरी प्लांट कनेक्टेड टू द पेरेंट प्लांट, इस तरह से एक नई स्ट्रॉबेरी और एक नया शूट जो है वो ग्रो कर जाता है जो कि पेरेंट शूट के साथ, पेरेंट स्टेम के साथ जो है वो अटैच हो जाता है। एंड स्ट्रॉबेरी प्लांट्स आल्सो प्रोड्यूस सेक्सुअली, लेकिन स्ट्रॉबेरी प्लांट जो है ये तो एक सेक्सुअल तरीका था, लेकिन सेक्सुअल भी रिप्रोड्यूस करती है बाय प्रोड्यूसिंग फ्लावर्स एंड सीड्स को पैदा करके, एंड फॉलोड बाय द रेड स्ट्रॉबेरी फ्रूट्स, और रेड स्ट्रॉबेरी फ्रूट देती है। ये आप देखिएगा नीचे डायग्राम, ये रूट है इसकी इस तरह से, और ये रनर्स हैं जिनके थ्रू ये डिस्टेंस में हैं दो नोड्स, और इनमें से ये इसने रूट पकड़ ली और ये इसने क्या निकाल दिया, ऊपर से न्यू प्लांट निकाल दिया, और आगे से फिर ये देखें ये ग्रो कर रही है ग्रोइंग नोड्स, ये आगे से फिर जो है इसी तरह से अटैच हो जाएगी। तो इस तरह से ये एक दूसरे के साथ यूँ अटैच भी रहते हैं। देन है जी बल्ब्स एंड कॉम, दीज टू टाइप्स ऑफ द एसेक्सुअल प्रोडक्शन आर सिमिलर इन मेथड, ये दोनों तरीके जो हैं वो एक जैसे हैं अलग, बल्ब्स अलग हैं कॉम्स अलग हैं। अब बल्ब के अंदर एक अंडरग्राउंड स्टेम होती है, यानी कि ज़मीन के अंदर स्टेम, हालांकि स्टेम वो पोर्शन है प्लांट का जो कि जो है ज़मीन के बाहर होता है, और रूट हम उसको बोलते हैं जो ज़मीन के अंदर होता है, तो ये वो स्टेम पोर्शन है जो कि ज़मीन के अंदर ग्रो करता है। लीव्स आर अटैच टू द स्टेम, लीव्स स्टेम्स के साथ अटैच होती हैं, एंड दीज लीव्स कंटेन मच स्टोर्ड फूड, और इन लीव्स के अंदर जो है वो खाना स्टोर होता है। एट द सेंटर ऑफ द बल्ब, बल्ब का जो सेंटर है वहाँ पे एपिकल बर्ड मौजूद होता है और लेटर बर्ड्स होते हैं, ये भी आर आल्सो अटैच टू इट, ये भी इसके साथ अटैच होते हैं। एपिकल बर्ड जो है ये प्रोड्यूस करेगा लीव्स को एंड अ फ्लावर, वाइल द लेटरल बर्ड जो होती हैं इर्द गिर्द वो न्यू शूट को पैदा करवा देती हैं। एज अ प्लांट ग्रोज एंड डिवेलप, और जैसे जैसे प्लांट बढ़ता है और डिवेलप करता है, इट विल फॉर्म अ न्यू बल्ब अंडरग्राउंड, तो ये नीचे एक और बल्ब जो है वो पैदा करवा देता है। इसको हम बल्ब इसलिए भी कहते हैं क्योंकि इसकी अपीयरेंस भी बल्ब की तरह की है। आप नोट करिएगा इस तरह से ये जो होता है अनियन प्याज, उसका जो फ्रूट है वो इस तरह से है, इनके ना यहाँ पे ऐसे एक बेस लगी हुई होती है यूँ, और फिर यहाँ पे लीव्स हैं, एक पहले मेन होता है लीव, फिर उसके बाद इसके इर्द गिर्द जो लीव्स होते हैं वहाँ पे जैसे 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 फ्रूट स्टोर होता जाता है वो फ्लैशी होते जाते हैं और ये घेरते जाते हैं, फिर एक और इस तरह से एक और, तो जब देखें तो ये आपको एक बल्ब की शेप दे देगा। आपने देखा होगा ना जो आप जैसे इसको निकालते हैं अनियन को, तो वो छोटे साइज के भी होते हैं बड़े भी, और उसके बाहर जो है वो पत्ते होते हैं सूखे हुए, तो उसके अंदर जो है वो साथ साथ क्या होता है फ्लैश ऐड होता जाता है, फूड स्टोर होता जाता है, वो फ्लैशी होते जाते हैं, वो घेरते जाते हैं। इसके बाद है कॉम, कॉम आर स्ट्रक्चर सिमिलर टू बल्ब, कॉम जो है ये ऐसे साफ्टे हैं जो कि बल्ब से मिलती जुलती हैं, बट दे डू नॉट हैव एनी स्टोरेज लीव्स, लेकिन इनके साथ कोई ऐसे लीव्स मौजूद नहीं होते जो खाने को स्टोर करें। द स्वेलन स्टम होल्ड द न्यूट्रिएंट्स, वो स्टेम जो है वो खुद फूली हुई होती है, सूजी हुई होती है और न्यूट्रिएंट्स को होल्ड करती है, सराउंडेड बाय पेपरी लीव्स, उसके इर्द गिर्द पेपरी लीव्स होते हैं जो उसको उसने घेरा हुआ होता है, सिमिलर टू एन अनियन स्किन, बिल्कुल वैसे जैसे अनियन की स्किन होती है। क्रोकस प्लांट्स यूज कॉम टू रिप्रोड्यूस। देन हम पढ़ते हैं इसके सेक्सुअल मैथड, कि अब प्लांट जो है वो सेक्सुअल मैथड कौन सा अडॉप्ट करता है। सेक्सुअल मैथड वो है कि जिसके अंदर जो है ये स्पोर्स बनाए जाते हैं, और जो मेल और फीमेल स्पर्म्स हैं उनकी एडिशन से, एग और स्पर्म की एडिशन से जो है वो न्यू प्लांट जो है वो ग्रो करता है, सीड्स बनते हैं, डेवलप होते हैं, एक लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है इसका, इसको डिस्कस करते हैं। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अ मेल गैमेट और सेल जॉइंस विद अ फीमेल एग, एक मेल गैमेट यहाँ पे जो सेल है वो ज्वाइन करता है फीमेल एग के साथ। दिस फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, और ये जो फ्यूजन होती है गैमेट्स की इसको हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलोज रिप्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग दैट रिजेंबल देयर पेरेंट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये अलो करती है ऑफस्प्रिंग को, जो कि न्यू पैदा होते हैं वो रिजेंबल करते हैं, मिलते जुलते होते हैं अपने पेरेंट्स से, बट इज़ नॉट आइडेंटिकल टू देम, लेकिन बिल्कुल उनके जैसे नहीं होते, सिमिलर नहीं होते, आदत जो है वो मिलती जुलती होती हैं, लेकिन शक्ल सूरत भी, लेकिन इसके अलावा जो है वो टोटल वैसे नहीं होते। और प्लांट्स की बात करें तो जैसे कि हम इस चैप्टर में प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि टेस्ट जो है उसमें सब में अक्सर फ़र्क होता है, अपीयरेंस में भी फ़र्क होता है, कलर में भी फ़र्क होता है। इन दिस वे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लीड्स टू वैरायटी इन द ऑफस्प्रिंग, इसका मतलब ये हुआ कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से हमें ऑफस्प्रिंग के अंदर वैरायटी मिलती है, डिफरेंस मिलता है। हालांकि जो एसेक्सुअल मेथड होते हैं उसके अंदर हमें बिल्कुल आइडेंटिकल होता है, जिसकी आप शूट करते हैं या
रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स कैन बी आइदर सेक्सुअल और एसेक्सुअल. रिप्रोडक्शन जो प्लांट्स में ये भी सेक्सुअल भी हो सकती है, एसेक्सुअल भी. द पॉलिनेशन ऑफ द फ्लावर्स एंड द सब्सिक्वेंट प्रोडक्शन ऑफ द फ्रूट्स एंड द सीड इज अ मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. पॉलिनेशन फूलों की और इसके अलावा जो है फ्रूट्स का बनना, सीड्स का बनना, ये तरीका है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का. इन प्लांट्स, प्लांट्स के अंदर फ्लावर हैज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. फ्लावर जो उसका फूल है उसको उसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहा जाता है. एंड फर्टिलाइजेशन अकर्स इन इट, और फर्टिलाइजेशन उसी के अंदर होती है. बिफोर लर्निंग, ये सीखने से पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स के अंदर, लेट अस रिवाइज सम इंफॉर्मेशन अबाउट फ्लावर. तो पहले हम फूल की जो है मुख्तलिफ पार्ट्स और उसके बारे में जो है वो डिस्कस कर लेते हैं. सबसे पहले पार्ट्स ऑफ द फ्लावर. मेन फंक्शन ऑफ अ फ्लावर इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सबसे मेन फंक्शन जो फ्लावर का है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही करवाना है. इट्स ब्राइट कलर्स एंड स्वीट फ्रेग्रेंस, एक उसके खूबसूरत रंग और उसकी मीठी खुशबू अट्रैक्ट द पोलिनेटर्स, वो पोलिनेटर्स को अपनी तरफ खींचती हैं. विच प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन रिप्रोडक्शन प्रोसेस, जो कि बहुत अहम किरदार अदा करते हैं इनके इस प्रोसेस में रिप्रोडक्शन के. अ फ्लावर कंसिस्ट ऑफ मैनी पार्ट्स, फूल के बहुत ज़्यादा हिस्से हैं लेकिन दो मेन पार्ट्स, जिसको स्टेमन एंड द पिस्टल, ये दो हैं. स्टेमन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है एंड पिस्टल जो है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है. और वन एक और इंफॉर्मेशन के जो फ्लावर होता है ना ये बाइसेक्सुअल होता है. इसके अंदर जो दोनों ऑर्गन है वो एक ही फूल के अंदर पाए जाते हैं. मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर नहीं होता, ये बाइसेक्सुअल हैं ज़्यादातर जितने भी हैं. स्टेमन कंसिस्ट ऑफ ए पोलन सैक, जो है स्टेमन है इसके अंदर एक पोलन सैक है जिसको एंथर कहा जाता है. यानी कि सैक का मतलब होता है यानी थैली, एक ऐसी थैली जिसके अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं. एंड अ लॉन्ग स्पोर्टिंग फिलामेंट, और उसके साथ एक लंबा सा फिलामेंट होता है. ये वैसे तो यहाँ पे शेप बनी हुई है लेकिन अगर हम अकेली बनाएं तो ये इस तरह से है. यानी कि एक फिलामेंट है और इसके साथ यहाँ पे यूं एक सैक बना हुआ होता है जिसके अंदर सारे पोलन ग्रेन्स जो हैं वो अटैच होते हैं. दिस फिलामेंट होल्ड्स अ एंथर इन पोजिशन. ये फिलामेंट जो है ये जो नीचे लंबा सा फिलामेंट है ये होल्ड करता है, अपनी जगह पे रखता है एंथर को. सो द पोलन इट कंटेन्स में बी डिस्पर्स बाय विंड, तो ताकि उसके अंदर जितने भी पोलन हैं वो फैल जाएँ हवा से. और कैरी टू द स्टिग्मा बाय इंसेक्ट, या फिर उसको स्टिग्मा तक जो है वो कीड़े ले जाएँ, परिंदे ले जाएँ या बैट्स के जरिए. पोलन्स आर जनरली येलो इन कलर, और पोलन जो है वो ज़्यादातर पीले रंग के होते हैं. दूसरी तरफ हम पिस्टल की बात करें, पिस्टल की शेप ज़्यादातर जो है वो एक बाउलिंग पिन की तरह होती है एंड लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द फ्लावर, और ये फूल के सेंटर में होता है. ये इस तरह से है, ये ऐसी शेप होती है इसकी. और नीचे से ये वाला हिस्सा जो है ज़्यादा सूचा हुआ होता है. इसके ऊपर वाला जो हिस्सा है यहाँ पे, इसको हम स्टिग्मा बोलते हैं. ये हिस्सा इसका स्टिग्मा कहलाता है. ये चिपचिपा सा होता है, ओपनिंग है, फिर ये वाला आ जाता है स्टाइल और देन ओवरी. इट कंसिस्ट ऑफ द स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, तीन हिस्से हैं इसके, स्टिग्मा देन स्टाइल एंड देन द ओवरी. सुराही की तरह की थोड़ी शेप होती है, उसको भी जहन में रखा जाए तो. स्टिग्मा इज लोकेटेड एट द टॉप, स्टिग्मा सबसे ऊपर है एंड इट इज कनेक्टेड टू द ओवरी बाय द स्टाइल, और इसको ओवरी के साथ जुड़ा एक स्टाइल ने दरमियान में. द ओवरी कंटेन द एग्स, अब ओवरी के अंदर एग होते हैं विच रिजाइड इन द ओव्यूल, जो कि ओव्यूल्स के अंदर पैक होते हैं. आफ्टर द एग इज़ फर्टिलाइज द ओव्यूल डिवेलप्स इनटू सीड, और जब एग फर्टिलाइज कर जाता है तो ये ओव्यूल ही है जो सीड में बदल जाता है और जो फ्लावर है वो फल में. अब अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर पेटल्स एंड सेपल, इसके अलावा ये तो दो थे जो मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं. इसके अलावा दो और हिस्से हैं इसके जिनको हम बोलते हैं सेपल्स एंड द पेटल्स. पेटल्स आर कलर्ड पोर्शन, पेटल्स जो होते हैं ये कलर्ड पोर्शन है. इनके मुख्तलिफ कलर्स होते हैं ब्राइट फ्लावर के. दे मे कंटेन परफ्यूम एज वेल एज नेक्टर ग्लैंड, ये जो है इसके अंदर परफ्यूम होता है, इसके साथ अलावा नेक्टर बनाने वाले ग्लैंड्स होते हैं. क्योंकि ये जो कीड़े मकोड़े हैं ये नेक्टर लेने ही तो आते हैं फूल के पास और आके उसकी पोलिनेशन करवा देते हैं. द पेटल कलेक्टिवली आर कॉल्ड द करोला, जो पेटल्स हैं ये पूरा होता है इनका एक मुख्तलिफ पेटल्स मिल के, तो इसको हम क्या बोलते हैं करोला. सेपल्स आर स्मॉल ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स, सेपल्स दूसरी तरफ से छोटे सबस और पत्ते होते हैं लाइक स्ट्रक्चर, पत्तों की नुमा साखते हैं ऑन द बेस ऑफ द फ्लावर, फ्लावर की बेस पे. ये आपको नीचे दिख रहा होगा, ये बर्ड की हालत जब फूल अभी बहुत छोटा होता है बर्ड में होता है तो उस टाइम पे ये उसको प्रोटेक्शन भी देते हैं. ये वाले क्या कहलाते हैं सेपल, और ये ऊपर वाले क्या कहलाते हैं पेटल. लाइक स्ट्रक्चर ऑन द बेस ऑफ द फ्लावर विच प्रोटेक्ट द फ्लावर बर्ड, जो कि जब फूल बर्ड की हालत में होता है तब इसको प्रोटेक्शन देते हैं ताकि कीड़े मकोड़े इसको नोच के ना ले जाएं या हवा से ही फैल ना जाए. सेपल्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड कैलिक्स, सेपल्स को हम उस घेरे को बोलते हैं कैलिक्स.
If a flower has stamen, pistil, petal and sepal, it is called a complete flower. और एक ऐसा फूल जिसके अंदर आपको stamen, pistils, petals and sepal ये चारों घेरे मिल जाते हैं, इसको हम बोलते हैं मुकम्मल फूल. If one of these part is missing, अगर इनमें से एक भी हिस्सा जो है वो ना हो, the flower is designated as incomplete. तो फूल जो है वो incomplete होता है. If a flower contains functional stamen and pistil, अगर एक फूल ऐसा है जिसके पास सिर्फ stamen और pistil काम कर रहे हैं तो ये perfect flower होगा, क्योंकि यही इसके reproductive parts हैं, इसी से तो उसने reproduction करनी है आगे. Stamen and pistils are considered the essential part of the flower, क्योंकि यही जो है वो फूल के सबसे अहम तरीन हिस्से कहलाते हैं. If either of the essential part is lacking, अगर इनमें से एक भी हिस्सा missing है, the flower is imperfect, तो वो फूल imperfect कहलाएगा, क्योंकि अभी हमने बात की कि फूल के अंदर दोनों हिस्से मौजूद होते हैं. Next is pollination. Pollination किसको कहते हैं? Pollination is an important process. Pollination एक अहम अमल है. It is a reproduction of the plant. यही reproduction करवाता है plant की. Without pollination के बगैर plants would not be able to produce fruit. Plants इस काबिल नहीं होंगे कि वो फूल बना सकें. Yes, जी. Almost all the fruits that we eat, जितने भी फल हम खाते हैं, and the beautiful flowers that we enjoy, यहाँ पे वो खूबसूरत फूल जिनको देख के हम लुत्फंदोज होते हैं, are the result of pollination. ये सारे pollination की वजह से ही बनते हैं. You may have seen, आपने देखे होंगे yellow, white, black और green colored grains in flowers. फूल के अंदर इस तरह के दाने छोटे छोटे, these are pollen. यही pollen है which help to fertilize the plant cell, जो के plant cells and turn them into seeds, जो के plant को मदद देते हैं fertilize करवाने में और फिर नए बीज बनवाने. How does pollination work? तो फिर pollination होती कैसे है? Pollination तब होती है जब pollen created from the plant male reproductive system, यानी कि जो उसके male reproductive system यानी कि anther के अंदर बन रहे होते हैं, is moved to the female reproductive system, वो उसके female reproductive system यानी कि pistil में move कर जाए. This fertilizes the plant cell to produce seed, तो यही help देता है plant के cells को कि वो बीज पैदा कर सकें. यानी यहाँ से क्या होता है कि अब आगे हम वैसे इसकी tabs पढ़ेंगे, लेकिन ये जो anther है जिसको हमने पीछे पढ़ा, ये anther और ये था हमारे पास पिस्टल, तो यहाँ से पोलन ग्रेन की यहाँ तक का जो सफ़र है उसको हम पॉलिनेशन का नाम देते हैं. अब टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, डिफरेंट टाइप्स हैं पॉलिनेशन की. क्रॉस इज अ मोर कॉमन वे ऑफ पॉलिनेशन, सबसे आम तरीका है पॉलिनेशन का. दिस इज टाइप ऑफ पॉलिनेशन, ये वो किस्म है पॉलिनेशन की विच हैपन्स व्हेन बीज ट्रेवल फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर. जब बीज जो है वो ट्रैवल करते हैं और एक प्लांट से दूसरे प्लांट में, कैरिंग एंड ट्रांसफरिंग पोलन इन द प्रोसेस, और क्या करते हैं उठा के लेके जाते हैं, ट्रांसफर करते हैं पोलन को इस प्रोसेस. अदर इंसेक्ट्स कैन ऑल्सो हेल्प पॉलिनेशन इन प्लांट्स, दूसरे कीड़े भी मदद करते हैं प्लांट की पॉलिनेशन में. दीज इंसेक्ट्स आर अट्रैक्टेड टू द प्लीजेंट सेंट एंड स्ट्राइकिंग ब्यूटी ऑफ द फ्लावर, और ये वो कीड़े हैं जो अट्रैक्ट होते हैं खूबसूरती की वजह से उसकी, और दूसरी उसके परफ्यूम की वजह से, स्मेल की वजह से, फ्रेग्रेंस की वजह से. सो इफ़ यू सी गॉर्जियस फ्लावर, अगर आप बहुत खूबसूरत फूल देखते हैं विद डिफरेंट प्रीटी कलर्स, मुख्तलिफ खूबसूरत रंगों के साथ, तो यू कैन थिंक दैट दिस इज़ टू अट्रैक्ट इंसेक्ट, तो आप ये सोच सकते हैं कि ये खूबसूरती जो है ये कीड़ों को अट्रैक्ट करने के लिए है. दैट कैन हेल्प इन पॉलिनेशन, जो कि पॉलिनेशन करवाएगी. क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब है जैसे एक जो है वो दरख्त के दो मुख्तलिफ ट्रीज हैं हमारे पास फॉर एग्जाम्पल, और ये बीज क्या करते हैं यहाँ से पोलन ग्रेन को उठा के इस फ्लावर के किसी फूल से उठा के इस फूल के इस दरख्त के किसी फूल तक पहुँचा देते हैं, तो इसको हम क्रॉस पॉलिनेशन का नाम देते हैं. विद इन अ सिंगल स्पीसी, एक ही स्पीसी के जो है अंदर ही हो, यानी वो फूल जो प्लांट है वो सेम हो लेकिन हो मुख्तलिफ दरख्तों का, तो इसको हम क्रॉस पॉलिनेशन का नाम देते हैं. अब सेल्फ पॉलिनेशन है, डज नॉट नीड द हेल्प ऑफ अदर, इसको दूसरों की जरूरत नहीं पड़ती. पोलन ग्रेन्स कैन ट्रांसफर फ्रॉम द स्टेमन टू द पिस्टल बाय इटसेल्फ. सेल्फ पॉलिनेशन होती है एक ही फूल के स्टेमन और पिस्टल के दरमियान, तो इसलिए ये क्या करते हैं कि इसके अंदर पोलन ग्रेन्स जो है वो खुद ब खुद ट्रांसफर हो जाते हैं स्टेमन से पिस्टल में. These plants are fertile on their own. ये खुद ही ज़रखेज़ होते हैं. Although you will find only a few plants that have this characteristic. लेकिन आपको ये खसूसियत भी सिर्फ कुछ ही plants के अंदर दिखेगी. Certain food plants, कुछ ऐसे जो है हमारे पास
पौधे जो कि हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं जैसे टोमेटोज हैं, ये इस कैटेगरी में जो है वो आते हैं, उससे बिलोंग करते हैं। देन है जी पॉलिनेटर्स। अब पॉलिनेटर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है या वो एनिमल्स हैं जो हेल्प करते हैं पॉलिनेशन में। दीज एनिमल्स में नॉट बी अवेयर दैट दे आर हेल्पिंग इन पॉलिनेशन, ये खुद इस चीज़ को नहीं जानते कि ये पॉलिनेशन में हेल्प कर रहे हैं। एनिमल्स दैट हेल्प प्लांट्स इन पॉलिनेशन, वो एनिमल्स जो मदद करते हैं पॉलिनेशन में, इसके अंदर कीड़े हैं जैसे बीज हैं, बटरफ्लाइज हैं, मोथ्स हैं, बीटल्स हैं एंड कुछ अदर एनिमल्स भी हैं जैसे बर्ड्स और बैट्स भी ये काम कर देते हैं। देन पॉलिनेशन इंसेक्ट्स के थ्रू कैसे होती है? व्हेन प्लांट्स आर पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट्स, जब प्लांट्स जो है वो इंसेक्ट्स के जरिए पॉलिनेट करते हैं, इट सीम्स लाइक सम काइंड ऑफ एग्रीमेंट, इसमें तो ऐसा लगता है जैसे एक किस्म का एग्रीमेंट हो गया उनके दरमियान में, वेयर बाय द प्लांट्स विल प्रोवाइड द इंसेक्ट विद नेक्टर और फूड, जहाँ पे जो प्लांट है वो इंसेक्ट को क्या दे रहा है, नेक्टर दे रहा है, खाना दे रहा है उसको, एंड द इंसेक्ट विल पॉलिनेट द फ्लावर इन रिटर्न, और बदले में वो उसको क्या कर रहा है, उसकी पॉलिनेशन करवा रहा है। तो ऐसे जैसे कि ये एक उनके दरमियान में कारोबारी लेन देन हो रहा है कि हाँ मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, वो तुम ये करोगे। ऑल्दो द प्लांट एंड द इंसेक्ट्स में बेनिफिट ईच अदर, जो है प्लांट और इंसेक्ट जो है कहते हैं वो बेशक एक दूसरे को फ़ायदा दे रहे होते हैं बिकॉज ऑफ द रिलेशनशिप, उनके ऐसे ताल्लुक की वजह से। द इंसेक्ट विजिटिंग अ फ्लावर यूजली डज नॉट पर्पजफुली पॉलिनेट द फ्लावर, लेकिन इंसेक्ट कीड़े जो है वो जब भी फूल के पास आते हैं तो उसका पर्पज़ हमेशा पॉलिनेशन करवाना नहीं होता। हनी बी आर वेरी इंपॉर्टेंट इंसेक्ट पॉलिनेटर, सबसे ज़्यादा अहम पॉलिनेटर हनी बी है मोस्ट ऑफ द टाइम। ज़्यादातर बोथ हनी बीज एंड द प्लांट दे विजिट आर बेनिफिटेड, के दोनों हनी बी और प्लांट जब भी उसके हर विजिट में यानी कि अक्सर उसके विजिट्स में दोनों को फ़ायदा हो जाता है। द हनी बी गेट सम फूड, हनी बी अपने लिए खाना ले जाता है, एंड द प्लांट्स गेट्स पॉलिनेटेड, और प्लांट्स की पॉलिनेशन हो जाती है। व्हेन अ हनी बी इज कलेक्टिंग पोलन फ्रॉम द एंथर ऑफ अ फ्लावर, अब जब क्या कर रहा होता है कि जब हनी बी एंथर से, फूल के एंथर से अपने लिए खाना इकट्ठा कर रहा होता है, इट पुट्स द पोलन इन स्पेशल पोलन बास्केट ऑन इट्स हैंड लेग, तो वो क्या करता है वो डाल देता है पोलन को अपनी एक स्पेशल पोलन बास्केट होती है उसकी हाइंड लेग्स पे लगी हुई वहाँ पे। ऑल दैट पोलन विल बी टेकन बैक टू द हाइव फॉर द बीज यूज, और ये सारे जो पोलन है इसको फिर वो वापस अपने छत्ते में ले जाता है बीज के इस्तेमाल के लिए। सम पोलन गेट स्टक ऑन द हेयर ऑफ इट्स बॉडी, अब उनमें से कुछ पोलन क्या होते हैं कि वो ना चिपचिपे होते हैं और वो उसकी उसके जिस्म के साथ जो चिपक जाते हैं। वेन द बीज विजिट द नेक्स्ट फ्लावर, और जब बी दूसरे फूल के पास जाएगा यही काम के लिए, तो मोस्ट ऑफ दैट पोलन ब्रश ऑफ ऑन टू द फ्लावर, तो उनमें से ज़्यादातर जो पोलन है वो गिर जाते हैं उस फूल में, एंड इफ इट स्टिक्स इन टू द स्टिग्मा, और अगर वो स्टिग्मा में जाके अटक जाएँ तो फ्लावर फ्लावर की पॉलिनेशन विल टेक प्लेस, तो पॉलिनेशन हो जाएगी। एंड द बी डज नॉट मेक एनी एफर्ट टू पुट द पोलन इन द राइट प्लेस, और बी को कोई मशक्कत भी नहीं करनी पड़ती, एफर्ट नहीं करनी पड़ती उसको उसकी सही जगह पर डालने के लिए। मैनी अदर काइंड ऑफ इंसेक्ट, और भी बहुत ज़्यादा इकसाम हैं इंसेक्ट्स की, जैसे कि वास्प हैं, फ्लाइज हैं, बीटल्स हैं, बटरफ्लाइज हैं, एंड अदर काइंड ऑफ द बीज हैं दैट फीड ऑन नेक्टर और पोलन, जो कि नेक्टर को या फिर पोलन को इस्तेमाल करते हैं, वो भी फ्लावर को पोलिनेट करवा देते हैं। हाउएवर ताहम देयर आर एटलीस्ट सम इंसेक्ट्स विच इंटेंशनली पोलिनेट फ्लावर्स, कुछ ऐसे भी हैं जो कि कुछ कीड़े इंटेंशनली यानी कि खुद ये इरादा करके आते हैं कि वो फ्लावर की पॉलिनेशन करवाएंगे। द वे अयूका फ्लावर इज बिल्ट, इट कैन नॉट बी पॉलिनेटेड इन द ऑर्डिनरी वे, तो कहते हैं ये वाला ये फूल जो आपको दिख रहा है अयूका, तो कहते हैं कि अयूका फ्लावर जो है ये जिस तरह से बना हुआ है ये खुद ब खुद पॉलिनेट नहीं कर सकता, एंड इट डिपेंड्स ऑन द स्पेशल सर्विस ऑफ अयूका मॉथ टू डू इट, और वो जो है एक मॉथ के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इसके लिए काम करें। व्हेन द मॉथ कम टू अ फ्लावर इट गैदर्स अप अ बॉल ऑफ पोलन, तो जब वो वहाँ पे आता है वो मॉथ आते हैं उस फ्लावर के पास तो वहाँ पे एक पूरा बॉल पोलन का इकट्ठा कर लेता है, एंड देन गोज टू द ओवरी ऑफ द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, और फिर वो उसी फ्लावर के फीमेल हिस्से के पास जाता है वेयर इट लेज सम एग्स, जहाँ पे वो उसने कुछ अंडे दिए होते हैं देता है। इट देन क्लाइम्स टू द टॉप ऑफ द फीमेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर एंड प्लेसेस द बॉल ऑफ अ पोलन ऑन द स्टिग्मा, और फिर वो छलांग लगा के जो है वो फीमेल पार्ट के जो है वो ऊपर बैठ जाता है और वहाँ पे वो जो बॉल है पोलन का वो फेंक देता है स्टिग्मा पे, वेयर इट नीड्स टू बी फॉर पॉलिनेशन टू ऑकर, वहीं पे पॉलिनेशन होनी होती है।
और व्हेन इट इज पॉलिनेटेड, जब वो पॉलिनेशन हो जाती है, द फ्लावर कैन प्रोड्यूस सीड्स इन इट्स ओवरी, तो फूल जो है वो फिर बीज बनाता है अपनी ओवरी में, एंड द मॉथ कैटरपिलर्स ईट सम ऑफ द सीड्स, और ये जो मॉथ है इसका कैटरपिलर वो कुछ सीड्स को खाता है, बट मेनी आर लेफ्ट ओवर, और लेकिन ज़्यादातर को छोड़ देता है टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स, ताकि वो नए पौधे बना सके. बिकॉज द यूका मॉथ कैटरपिलर ईट ओनली यूका सीड्स, क्योंकि ये जो यूका मॉथ है इसके कैटरपिलर सिर्फ वही सीड खाते हैं और कोई सीड नहीं खाते, और यूका प्लांट्स पॉलिनेटेड ओनली बाई यूका मॉथ, और इस तरह से ये प्लांट भी सिर्फ इसी मॉथ से पॉलिनेट होता है. बोथ द मॉथ एंड द प्लांट, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने सर्वाइवल के. नेक्स्ट हम वो देख लेते हैं जो कि हवा लेके जाती है, यानी ये वाले कौन से प्लांट्स हैं जिनको हवा जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है. विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स डज नॉट डिपेंड ऑन बर्ड्स और इंसेक्ट्स, जो विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स हैं वो डिपेंड नहीं करते परिंदों पे या फिर इंसेक्ट्स के ऊपर, बिकॉज दे डू नॉट प्रोड्यूस रिच कलर फ्लावर्स और स्वीट सेंट्स, क्योंकि ये जो है प्रोड्यूस नहीं करते, ना इनके फूल ऐसे होते हैं कि वो खूबसूरत रंगों के हो, ना ही वो उनकी खुशबू होती है. द फ्लावर और सच प्लांट, तो ऐसे जो प्लांट हैं आर स्मॉल, छोटे होते हैं, एंड हैव नो फ्रेग्रेंस, इनकी कोई खुशबू नहीं होती. देयर एंथर और स्टिग्मा जो है वो हवा से एक्सपोज होते हैं, यानी कि वो बाहर होते हैं, हालांकि जो दूसरे वाले हमने पढ़ा था उसके अंदर बाहर सेपल थे, फिर पेटल थे, फिर स्टिग्मा और पिस्टल था, तो यहाँ पे जो है वो बाहर होते हैं. एंड विच हैव दम इन पॉलिनेशन, जो उनका पॉलिनेशन ताकि आसानी से हो सके, हवा लेके जा सके. जो विंड से पॉलिनेट होने वाले फ्लावर्स हैं नीड टू प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ पोलन ग्रेन, को बहुत ज़्यादा तादाद में पोलन ग्रेन बनाने पड़ते हैं. मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स लाइक वीट, राइस, बाली, ओट्स एक्सेट्रा, ज़्यादातर जो इस तरह के क्रॉप्स हैं वो कौन सी हैं, वीट है, राइस है, बाली है, ओट्स है, ये पॉलिनेटेड बाय विंड, इसको विंड पॉलिनेट करवाता है. मेनी ट्रीज जैसे कि पाइन है, स्प्रूस है, फिर्स है, ये सारे विंड से होते हैं. अब हम दोनों में फ़र्क देख लेते हैं. जो इंसेक्ट से पॉलिनेट होने वाले फ्लावर हैं ये लार्ज हैं, ब्राइटली कलर हैं, खूबसूरत रंगों के होते हैं, और इनकी खुशबू भी अच्छी होती है ताकि कीड़े अट्रैक्ट हों. लेकिन जो विंड से होने वाले हैं ये छोटे होते हैं, डल कलर के होते हैं, और उनकी खुशबू भी नहीं होती. नंबर टू, नेक्टर जो है ये प्रेजेंट होता है इंसेक्ट्स को ट्रैक करने के लिए, और यहाँ पे नेक्टर जो है ये बनाते ही नहीं है, इसलिए कीड़े आते ही नहीं कुछ भी लेने के लिए. यहाँ पे नंबर थर्ड, जो पोलन ग्रेन्स हैं ये लार्ज होते हैं, बड़े होते हैं, चिपचिपे होते हैं, हैवी होते हैं, और इनकी रफ सरफेस होती है. और जो विंड से पोलिनेट होने वाले ये छोटे हैं, खुश्क हैं, स्मूथ हैं, और इसके अलावा लाइट होते हैं ताकि ये ईजिली जो है वो हवा इसको उड़ा के ले जाएँ. स्टेमन में नॉट बी पेंडुलस, ये पेंडुलस नहीं होते, और स्टेमन यहाँ पे जो है लॉन्ग होते हैं, पतली फिलामेंट्स होती हैं, दैट्स वे इन द स्लाइटेस्ट विंड एंड पोलन ग्रेन आर हैंस शेकन आउट फ्रॉम द एंथर, ताकि इसको हवा आसानी से लेके चली जाए, या फिर एंथर जो है वो शेक हो सके और उनमें से पोलन ग्रेन जो वो गिर सके. स्टिग्मा जो है ये फीडरी नहीं होता, और इसके अलावा जो है दे आर स्टिकी होते हैं, चिपचिपे होते हैं ये, ताकि पोलन ग्रेन्स जो है वो कीड़े मकोड़ों के साथ जो है वो चिपक जाते हैं और इजीली डिस्प्लेस हो सकें. यहाँ पे जो स्टिग्मा है प्रोट्रूड है एंड आर लार्ज, यानी कि स्टिकी नहीं होता ना, और इसके अलावा जो ये लार्ज होते हैं, फीतरी होते हैं, ताकि लार्ज सरफेस के ऊपर इजीली हवा इसको ले चली जाए. नेक्टर गाइड्स में भी सीन ऑन द पेटल, पेटल के ऊपर नेक्टर गाइड्स बनी हुई होती है, इससे पता चल जाता है कि ये नेक्टर प्रोड्यूस करवा सकते हैं, और ये नेक्टर गाइड्स इसमें एब्सेंट होते हैं. तो इस वाली कैटेगरी में ज़्यादातर वो जैसे डैफोडिल्स हैं, ब्लू बेल हैं, इस तरह के प्लांट्स आ जाते हैं कप शेप बने हुए, जिनके स्टिग्मा और जो है एंथर है वो बाहर होता है. और ये वाले जो प्लांट्स होते हैं ये नॉर्मल प्लांट्स हैं, जो आगे आप अपने रोज़मर्रा देखते हो, जैसे रोज प्लांट्स वगैरह हैं, जिनके पेटल और सेपल के अंदर जो है वो स्टिग्मा. पॉलिनेशन बाय बैट्स, बैट्स भी हेल्प करते हैं पॉलिनेशन में मेनी टाइप्स ऑफ फ्रूट्स इन द वर्ल्ड, दुनिया में बहुत ज़्यादा एग्जाम के जो है वो फलों की, दिस इंक्लूड जिसमें बनाना, मैंगो एंड गुआवास आ जाते हैं. इट इज बिलीव ये माना जाता है दैट ओवर 500 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रॉपिकल प्लांट्स, 500 किस्म के ऐसे प्लांट्स हैं जो कि पॉलिनेट होते हैं बड़ी कामयाबी से एवरी सिंगल ईयर थ्रू बैट, बैट के जरिए हर साल. The fact that the bats can fly quite a distance before they drop seed and also help to keep areas of the growth highly diversified. अच्छा, ये हकीकत के बैट्स जो है फ्लाई कर सकते हैं बड़ी दूर दराज तक चले जाते हैं ये, और उससे पहले ये सीड को नहीं फेंकते, तो ये मदद देता है उस पूरे एरिया को जो है वो हाईली, यानी वहाँ पर वो फल जो है वो फैला हुआ होता है हर जगह में मिलता है, और वो फर्टाइल भी उस लैंड को करवाता है.
Bear tends to like flowers that do not give off strong scents or offer bright colors. जो है ये बैड जो है ये उन फ्लावर्स को लाइक करता है ज़्यादा जो कि इतनी स्ट्रॉन्ग सेंट नहीं बनाते और ब्राइट कलर्स जो है ऑफर करते हैं. एंड दिस इज ऑपोजिट ऑफ व्हाट अट्रैक्ट्स बीज. बिल्कुल ऑपोजिट है, जो बीज को अट्रैक्ट करते हैं वो बैड को बिल्कुल ऑपोजिट चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं. दीज टाइप्स ऑफ फ्लावर्स दैट द बैड्स लाइक आल्सो सीम टू हैव लॉट्स ऑफ नेक्टर ऑफर्ड इन देम. और वो वाली एग्जाम फूलों की जो कि बैड्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं, ये इनके अंदर बहुत ज़्यादा दाद में ये नेक्टर भी बनाते हैं. एंड अदर थिंग विच अट्रैक्ट बैट, एक और चीज़ जो बैट को अट्रैक्ट करती है, स्मॉल इंसेक्ट दे फाइंड इन साइड द फ्लावर. छोटे छोटे कीड़े इसको फूलों के अंदर मिलते हैं. मैनी एक्सपर्ट्स बिलीव, बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट्स यही की रखते हैं, दैट द बर्ड्स एंड द बीज टेक द डे शिफ्ट एंड द बैट्स टेक द नाइट शिफ्ट. कि दिन के वक्त ये काम जो है ये परिंदे और बीज करते हैं, तो रात के वक्त ये काम वही काम पॉलिनेशन का बैट्स करवाते हैं. Everything that we know about pollination in the daytime occurs at night with the birds. हर वो चीज़ जो हम जानते हैं pollination के बारे में जो दिन के वक्त होती है, सेम वही प्रोसेस रात को भी होता है, लेकिन सिर्फ पॉलिनेटर बदल जाता है. फिर बर्ड्स, हमिंग बर्ड्स, उसके अलावा जो है स्पाइडर हंटर्स, सन बर्ड्स, हनी क्रीपर्स एंड हनी ईटर्स आर द मोस्ट कॉमन पॉलिनेटर बर्ड्स हैं. Plants that make use of pollination by birds commonly have bright red, orange or yellow flowers. और वो वाले प्लांट्स जो कि पॉलिनेशन बर्ड्स के जरिए करवाते हैं, या आमतौर पर जो है वो रेड, ऑरेंज या फिर येलो फ्लावर्स होते हैं, और वो थोड़ी हल्की सी इनकी स्मेल होती है, फ्रेग्रेंस होती है. दिस इज बिकॉज बर्ड्स हैव अ कीन सेंस ऑफ साइट फॉर कलर. ये इसलिए भी है क्योंकि बर्ड्स की जो है वो सेंस करने की एबिलिटी कलर्स को बहुत गहरी होती है. बट जनरली रिचल और नो सेंस ऑफ स्मेल इनके पास, या थोड़ी तो यहाँ पर बिल्कुल भी स्मेल करने की सेंस नहीं होती. बर्ड्स पॉलिनेटेड फ्लावर्स प्रोड्यूस प्लेंटीफुल अमाउंट ऑफ नेक्टर. और वो वाले प्लांट्स जो कि बर्ड्स पॉलिनेट करवाते हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा तादाद में नेक्टर होते हैं टू अट्रैक्ट एंड फीड अ बर्ड्स, ताकि वो उनको अट्रैक्ट करें बर्ड्स को और उनको खाना दे सकें, जिसको फॉर्म पॉलिनेशन, और वो उनको पॉलिनेशन करवाएं. एज वेल एज हैविंग पोलन दैट इज यूजुअली लार्ज एंड स्टिकी टू क्लिंग टू द फीडर्स ऑफ द बर्ड. इसके अलावा वो प्लांट्स के जो पोलन होते हैं वो बड़े और स्टिकी चिपचिपे होते हैं, ताकि वो इनके पलों के साथ जो है वो चिपक जाते हैं. हमिंग बर्ड्स और स्मॉल बर्ड्स, हमिंग बर्ड्स एक छोटे से परिंदे होते हैं, जो फॉर्म होते हैं अमेरिका, ये जो आपको सिर्फ अमेरिका में मिलेंगे. देयर एबिलिटी टू होल्ड इन मिड एयर बाय फ्लिपिंग देयर विंग्स अप टू 80 टाइम्स पर सेकेंड. इनकी काबिलियत होती है, इनके अंदर एबिलिटी है कि ये हवा में जो है वो कर सकते हैं, अपने पैरों को फड़फड़ा सकते हैं तकरीबन एक सेकंड में 80 दफ़ा. प्लस दे लॉन्ग कर्व बीक्स, और इसके अलावा इनकी लंबी मुड़ी हुई चूंच एंड लव स्वीट नेक्टर, और नेक्टर की इतनी ना पसंद करना मेक्स देम परफेक्ट पॉलिनेटर. ये सारी चीज़ें इन्हें बड़ा अच्छा पॉलिनेटर बना देती हैं. हमिंग बर्ड्स बर्न अप अ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी एज ए डार्ट अबाउट फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर. हमिंग बर्ड जो है ये बहुत ज़्यादा दाद में अपनी एनर्जी भी लगाती हैं जब ये एक फूल से दूसरे फूल की तरफ मूव करती हैं. सो दे आर अट्रैक्टेड टू फ्लावर्स विच विल गिव देम समथिंग. इसलिए इनको सिर्फ वही फूल अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं जो बदले में भी इन्हें कुछ नहीं फॉर देयर पॉलिनेटिंग एफर्ट. जो वो कोशिश कर रहे हैं, एफर्ट करते हैं पॉलिनेशन, उसके बदले उन्हें खुद भी कुछ मिले, तो ये उन्हीं फूलों के पास जाते हैं. नाउ फर्टिलाइजेशन. अब पॉलिनेशन के बाद जब पोलन रीच कर जाता है, पहुंच जाता है पिस्टल पे, कंसिस्टिंग हो जिसके अंदर स्टिग्मा है, स्टाइल है, ओवरी है एंड स्पेक्टेकल्स हैं, इट्स ट्यूब लाइक अटैच टू द रिसेप्टिव स्टिग्मा. तो वो क्या करते हैं, जब वो स्टिग्मा तक पहुंच जाता है एंड डेवलप जो पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब बनाता है थ्रू विच जिसके अंदर से दोनों स्पर्म जो है रिलीज हो जाते हैं मेल जर्म सेल्स से और ट्रैवल करते हैं टू ईच ऑफ द ओवम ओवम में. एट द सेम टाइम उसी वक्त जो मेल सेल ग्रो कर रहा होता है, फीमेल सेल in the ovule within the ovary at the base of the pistil is developing. Female cell in the ovule ke andar jab pahunch jata hai to wahan pe develop karta hai. Male sperm moves through the ovule wall and while one fuses with the egg, ye jo male sperm hai ye kya karte hain, ye ovule wall pe pahunch ke ek egg ke sath fuse kar jate hain, aur second jo hai wo kya karta hai, wo develop ho jata hai into the endosperm tissue. Endosperm tissue bana deta hai एंड विच विल नॉरिश द डेवलपिंग जायगोटर सीड, जो कि सिर्फ नॉरिश करता है. नॉरिश का मतलब है कि उसको न्यूट्रिएंट्स फ्राहम करता है जो कि जायगोट अभी ग्रो कर रहा है, यहाँ पे जो सीड डेवलप हो रहा है. आफ्टर इट, इसके बाद जो ओव्यूल बिकम द सीड, ओव्यूल सीड में बदल जाता है एंड द आउटर वॉल है जो सीड की वो हार्ड हो जाती है, वो सीड का कोट बन जाती है, और इस टाइम में ओवरी जो है वो फिर एक पके हुए फल में बदल जाती है और सीड जो है उस फल के अंदर वो छुप जाता है. ये आपने सारा फूल का देखा जो हमने पीछे स्ट्रक्चर पढ़ा, ये है इसका सेपल, ये है इसके पेटल, ये है इसकी मेल पार्ट
और ये है बीच में इसका फीमेल पार्ट और यहाँ पेंटल सीड है. नाउ द सीड एंड इट्स स्ट्रक्चर. अब सीड जब सीड बन जाता है अब तो सीड्स में डिफरेंट साइज सीड जो है वो मुख्तलिफ होते हैं साइज में शेप में कलर में बट दे हैव पार्ट विच आर कॉमन लेकिन इनके हिस्से एक जैसे होते हैं. वो क्या है सीड कोर एम्ब्रियो एंड द फूड सप्लाई और वो जो खाना देने द सीड कोट इज टफ एंड वाटर प्रूफ. सीड कोट जो होता है ये एक तो टफ होता है दूसरा वाटर प्रूफ होता है पानी के ऊपर असर नहीं करता वो उसमें हल नहीं होता पानी इसमें जो है पानी में ये हल नहीं होता. इट कवर्स एंड प्रोटेक्ट है एम्ब्रियो ये कवर करता है और एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट भी करता है एंड द फूड सप्लाई और जो फूड का थोड़ा सा उसके अंदर सप्लाई पड़ी हुई होती है अंदर जब तक वो बाहर नहीं आ जाता सीड से छोटा सा प्लांट तो तब तक उसको देता रहता है. एम्ब्रियो इज अ बेबी प्लांट. एम्ब्रियो क्या है एक छोटा सा पौधा है. अ पार्ट ऑफ एम्ब्रियो इज अ रेडिकल. अब एम्ब्रियो के हिस्से कौन से एक रेडिकल है जो कि बाद में रूट बनाता है और रेडिकल के ऊपर सीड की शूट बनती है जिस हिस्से को प्यूम्यूल कहते हैं वो शूट पे ग्रो कर जाता है. द सीड है जो हैज इट्स ओन फूड सप्लाई इसके पास अपने फूड सप्लाई होते हैं उसको एंडोस्पर्म कहते हैं. जैसे कि हमने पढ़ा था दो स्पर्म होते हैं एक एग के साथ फर्टिलाइज कर जाता है तो उसको एंडोस्पर्म बना देता है यही इसका खाना है. व्हाट इज इट यहाँ पर सीड हाफ यहाँ पे सीड का जो आधा हिस्सा है एब्जॉर्ब करता है फूड को इन द एंडोस्पर्म के अंदर एंड ट्रांसपोर्ट इट टू द एम्ब्रियो और फिर उसको क्या करता है एम्ब्रियो तक पहुंचा देता है. अ बीन सीड हैज टू कोटिलेडन एक जो बीन है उसका जो सीड है उसके दो कोटिलेडन होते हैं ईच हाफ ऑफ द सीड इज अ कोटिलेडन. जैसे चना है ना दाल होती है चने की पल्स उसको भी आप खोलेंगे तो उसके दो हिस्से ऐसे खुल जाएंगे या मूंगफली उसके भी दोनों हिस्से खुल जाते हैं तो ये उसके दोनों कोटिलेडन कहलाते हैं. ईच हाफ ऑफ द सीड इज अ कोटिलेडन हर हाफ हिस्सा उसका एक कोटिलेडन कहलाता है. ये कोटिलेडन अब्सॉर्ब करते हैं फूड सप्लाई को. कौन का सीड जो है इसका सिर्फ एक कोटिलेडन है जो मकई होती है. सीड्स विद टू कोटिलेडन जिसके दो कोटिलेडन होते हैं उसको हम डाइकॉट कहते हैं और जबकि वो वाले सीड जिसका एक ही कोटिलेडन होता है उसको हम मोनोकॉट कहते हैं. वो खुलता नहीं है उसका सिर्फ एक ही कोटिलेडन होता है. अब सीड फैलता कैसे नाउ यू नो अब आप जानते हैं कि सीड के अंदर एम्ब्रियो है जिसके बाहर एंडोस्पर्म है. द एम्ब्रियो डेवलप कर जाता है इमेच्योर प्लांट में छोटा सा प्लांट में इमेच्योर एनी एवरीथिंग टू स्प्राउट इन अ न्यू लोकेशन. अब इसको हर चीज की जरूरत पड़ेगी न्यू लोकेशन में ग्रो करने के. पेरेंट प्लांट इज ऑलरेडी यूजिंग द रिसोर्सेज ऑफ इट्स लोकेशन. जो इसका पेरेंट प्लांट था वो पहले से ही अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर रहा है उस जगह पे. देयरफॉर इट्स सीड नीड टू गेट टू अ न्यू लोकेशन. सीड को नई लोकेशन पे जाना होगा इन ऑर्डर टू फाइंड रिसोर्सेज अपने लिए रिसोर्सेज की तलाश में नेसेसरी फॉर द ग्रोथ जो उसकी ग्रोथ के लिए जरूरी है. This relocation is known as dispersal. और ये नई जगह पे जाना इसको हम फैलाव कहते हैं dispersal कहते हैं. सीड इस्तेमाल करते हैं different strategies को फैलने के लिए new location पे. कौन कौन सी एक होता है wind seed dispersal. Wind dispersal कैसे होता है सम सीड्स हैं कुछ सीड्स प्लांट्स के ये यूज करते हैं विंड पावर को हवा की पावर को टू ट्रांसपोर्ट दें जो है वो जाने के लिए फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एक जगह से दूसरी जगह. दे यूजली लाइटर छोटे होते हैं हल्के होते हैं छोटे होते हैं स्मॉलर एंड हैव स्पेशल स्ट्रक्चर खास साफ्टें होती हैं इनकी विच कैच द एयर जो कि हवा को पकड़ लेती हैं जैसे विंग्स आर फ्लफ. दे कैन ट्रैवल फॉर डिस्टेंस दूर दराज तक जा सकते हैं. प्लांट दैट यूज दिस मेथड जो ये वाला मेथड इस्तेमाल करते हैं प्रोड्यूस सीड्स इन लार्ज नंबर. ये ज़्यादा तादाद में जो है वो सीड्स को बनाते हैं क्योंकि सीड्स कैरी बाय विंड क्योंकि वो सीड्स जो कि हवा लेके जाती है आर टेकन एनी वेयर विंड ब्लोस वो कहीं पर भी उसको लेके जा सकती है जहाँ पे भी हवा ब्लो करेगी. सीड्स हैं जो डैंडलियन के मैपल के पॉपी के थिस्टल ये सारे एग्जांपल्स हैं जो है विंड डिस्पर्सल की. आप देखिएगा यहाँ पे ये पॉपी सीड्स हैं इससे हम ये पॉपी सीड्स हैं जिससे हम ना ये फीम भी निकालते हैं. थिस्टल सीड हैं ये वाले और ये डैंडलियन सीड तो ये हल्के सीड्स हैं इनके और देखिएगा ये कैसे जो है वो बहुत हवा के जरिए डिस्पर्स हो रहे हैं. देन एनिमल डिस्पर्स मैनी जूसी फ्रूट बहुत ज़्यादा ऐसे फ्रूट जो जिसमें जूस होता है आर ईटन बाय एनिमल्स उसको हम एनिमल्स खा लेते हैं जैसे चेरी हैं रास्पबेरीज हैं स्ट्रॉबेरीज हैं एप्पल हैं टोमेटो हैं ऑरेंज हैं. द एनिमल्स डिस्पर्स द सीड एनिमल जो है इन सीड्स को डिस्पर्स करवा देता है व्हेन दे डेफिकेट और स्पिट द सीड जब वो उसको बाहर निकाल देता है या फिर थूक देता है सीड्स को अपनी बॉडी से मुंह से. सम सीड्स आर फूड आइटम्स फॉर सम एनिमल्स लाइक स्क्विरल्स एंड एकॉर्न्स. कुछ सीड्स ऐसे भी हैं जो कि दूसरे एनिमल्स के लिए खाना बन जाते हैं जैसे गुलेटियाँ
जो है और एक्वॉर्न जो है. लेफ्ट ओवर आर द सीड्स फॉरगॉटन बाय द एनिमल्स हैज अपॉर्चुनिटी टू जर्मिनेट इनटू अ न्यू प्लांट. और वो वाले सीड्स जिनको भूल जाते हैं एनिमल्स या फिर वो कहीं ऐसी जगह गिर जाते हैं जहाँ से उन्हें कोई पकड़ नहीं पाता, उन्हें मौका मिल जाता है जर्मिनेट होने का न्यू प्लांट में. सम सीड्स हैव स्पेशल स्ट्रक्चर सच एज बर्ड्स आर हुक्स विद स्टिक आर एंटेंगल इन एनिमल फॉर अ फीडर एंड कैरीड अवे फॉर न्यू लोकेशन. कुछ सीड्स ऐसे भी हैं जिनके अंदर खास किस्म की सांपते हैं जैसे कि बर्ड्स हैं या फिर हुक्स बनी होती हैं जिसके साथ वो चिपक जाते हैं एनिमल जैसे एनिमल के फर या फिर लिवरों के साथ और फिर उसको वो न्यू लोकेशन में ले जाते हैं. वाटर डिस्पर्सर. प्लांट्स ग्रो बिसाइड्स एंड इनसाइड वाटर. प्लांट्स वो वाले प्लांट्स जो कि ग्रो करते हैं साथ या फिर अंदर पानी के. दे डिस्पर्स देयर सीड्स थ्रू वाटर. ये अपने सीड्स को फैलाते हैं पानी के जरिए. दीज आर वाटर प्रूफ. ये पानी में हल नहीं होते, वाटर प्रूफ होते हैं. एंड हैव फ्लफ और अदर स्ट्रक्चर्स टू इंक्रीज देयर बायोंसी. इसके अलावा फ्लफी होते हैं या फिर कोई और स्ट्रक्चर होता है जो पानी को की कैपेसिटी को जो है ये वो करता है. कोकोनट प्लांट इज अ कॉमन एग्जाम्पल ऑफ वाटर डिस्पर्सर. कोकोनट का जो प्लांट है ये एक आम मिसाल है पानी से डिस्पर्स होने की. नाउ एक्सप्लोसिव डिस्पर्सर. सम प्लांट्स एक्सप्लोड टू डिस्पर्स देयर सीड्स. कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो कि खुद सीड्स को करवाने के लिए फट जाते हैं. दीज रिजाइड इन पॉड्स. ये वाले जो सीड्स हैं ये पॉड्स की सूरत में होते हैं. एज अ पॉड ड्राई दे बर्स्ट एंड थ्रो सीड्स इन एवरी डायरेक्शन. क्योंकि पॉड्स जो होते हैं ये ड्राई होते हैं, खुश्क होते हैं, तो ये फट जाते हैं और सीड को फेंक देते हैं किसी भी डायरेक्शन में. एन एग्जाम्पल इसकी हेजल प्लांट्स हैं एंड इट शॉर्ट सीड्स सेवरल फीट अवे. ये अपने से जो है वो बहुत ज़्यादा फीट दूर अपने सीड्स को फेंक देते हैं. ये हेजल प्लांट्स बनाए हुए यहाँ पे. नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज द जर्मिनेशन इन द प्लांट. व्हेन यू जर्मिनेशन व्हेन यू प्लांट अ सीड एंड द कंडीशंस आर फेवरेबल. जब आप सीड को खुद प्लांट करवा दें यानी कि ज़मीन के अंदर उसको दबाएं और फिर उसको जितनी भी कंडीशंस चाहिए ज़रूरी वो सारे उसको दें. इट विल बिगिन टू ग्रो अ जर्मिनेट. तो वो ग्रो करने लग जाएगा या फिर आप कहेंगे वो जर्मिनेट कर जाएगा. जर्मिनेट करने के लिए सीड को तीन चीज़ें चाहिए होती हैं, वाटर, ऑक्सीजन और अच्छा टेम्परेचर. जब सीड जो है वो गीला होता है यानी कि आप उसको पानी देते हैं तो वो उस पानी को अब्जॉर्ब करता है और फिर वो जर्मिनेट करना शुरू कर देता है. जर्मिनेशन में क्या होता है कि सीड स्प्राउटिंग ऑफ द सीड यानी कि सीड का फट जाना, उसमें से छोटे प्लांट का बाहर निकल आना. व्हेन अ सीड स्प्राउट्स द एम्ब्रियो ग्रोज इनटू न्यू प्लांट्स. और जब ये सीड जो है ये फूल जाता है और उसके बाद ये फट जाता है तो फिर उसमें से एम्ब्रियो निकल के नया प्लांट बना देता है. अब ये कैसे होता है प्रोसेस. सबसे पहले सीड स्वेल करता है, फूलता है या फिर लार्ज हो जाता है. क्यों? क्योंकि उसने पानी बहुत ज़्यादा अब्जॉर्ब करना है एज वाटर एंटर्स दैम. सीड कोट सॉफ्ट एंड नरम हो जाती है एंड देन ब्रेक और फिर टूट जाती है सून जल्दी. अ टाइनी रूट, एक छोटी सी रूट, इसको रेडिकल कहते हैं, अपीयर्स फ्रॉम द सीड. ये सीड में से जाहिर होती है एंड ग्रोज डाउनवर्ड्स और नीचे ग्रो कर जाती है. एंड शूट और फिर शूट विच विल बिकम द स्टेम, जो कि स्टेम बनाएगी. आल्सो अपीयर्स, वो भी जाहिर होने लग जाती है एंड ग्रोज अपवर्ड और ऊपर ग्रो कर जाती है. लेटर बाद में द फर्स्ट लीव्स अपीयर ऑन द स्टेम एंड द सीड कोट ड्रॉप्स ऑफ. सबसे पहले पत्ते जो हैं वो स्टेम के ऊपर जाहिर होने लग जाते हैं और सीड कोट जो है वो गिर जाती है. एज द स्टेम ग्रोज अपवर्ड, और जैसे जैसे स्टेम अपवर्ड जाता है मोर एंड मोर लीव्स अपीयर, ज़्यादा और मजीद पत्ते जाहिर होने लग जाते हैं जबकि कोटिलीडन छोटा होने लग जाता है. द जर्मिनेटिंग सीड नीड्स फूड. अब ये सीड जर्मिनेट कर रहा है इसको खाने की ज़रूरत है तो ये कौन सा खाना इस्तेमाल करेगा. इट यूजेज अ फूड स्टोर्ड इन द कोटिलीडन. वो कोटिलीडन में छुपा हुआ खाना इस्तेमाल करेगा एज इट ग्रोज, जैसे जैसे वो ग्रो करेगा. लेटर बाद में जो कोटिलीडन्स हैं विच हैव श्रंक टू अ मच स्मॉलर साइज, जो अब सुकड़ के बहुत छोटे हो गए उनका सारा खाना इस्तेमाल हो जाता है, विल ड्रॉप ऑफ, वो उतर जाएंगे. बाय दिस टाइम, इस वक्त लीव्स हैं जो ग्रोइंग प्लांट्स के, जो पत्ते हैं इस बढ़ते हुए पौधे के, ये आर एबल टू प्रिपेयर फूड. ये इस काबिल हो जाएंगे कि खुद खाना बना सकें थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. एंड द प्लांट विल यूज दिस फूड एज इट कंटिन्यूस टू ग्रो. और फिर वो वही खाना इस्तेमाल करते जाएंगे जो वो जैसे जैसे वो ग्रो करें. ये देखिए कहाँ पे, ये है सीड. सबसे पहले ये वाटर को अब्जॉर्ब करता है, इसका सीड कोट फट जाता है. ये कॉटिलीडन है, इसमें से ये छोटा सा टाइनी सा प्लांट बाहर निकल आया इस तरह से. सबसे पहले इसमें से हुक लाइक ये अरेंजमेंट से क्या निकला है, रूट. रूट ने नीचे जड़ें जब पकड़ लिया है उसके बाद ये शूट बाहर निकल आई है. ये सीढ़ी होकर ग्रो करना शुरू कर देगी और ये जो उसके कोटिलीडन वाले पत्ते हैं ये इधर आ गए. अब जैसे जैसे ये ग्रो करता जा रहा है ये कोटिलीडन छोटा होता जा रहा है और अब ये इस काबिल हो गया कि ये फोटोसिंथेसिस कर सके और अपने खाने का तरीका ये बदल लेते हैं.
तो लेकिन इसके अलावा दूसरा तरीका भी है, लेकिन बेसिक मेथड जो है ये आपके बुक में जो डिस्कस किया अभी हम इसको ही देखेंगे। तो यहाँ तक हमारी एडिटिंग थी, इसके बाद हम जो इसकी एक्सरसाइज है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें, ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।